अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाबधेहं धनुजवनकृशानं ज्ञाननामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातु जातं नमामि। जी हाँ, देखिए रामचरितमानस वैसे भी आप सबने सुना है, पढ़ा है, लीलाएं भी देखी हैं। मैं भगवान राम के कुछ गुणानुवाद इस धुन के माध्यम से, ये तर्ज के माध्यम से, जिसे हम आप राधे श्याम कहते हैं, आप तक भेजने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सबसे पहले कथा कहाँ से शुरू होती है? भगवान राम के जन्म से। सुने आप, समझें। सरयू तट प्रख्यात है पावन अवध प्रदेश, थे नृपाल दशरथ जहां रघुकुल कमल दिनेश। महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे, और क्या क्या था कि धर्मानुसार थे, चार वर्ण चतुराश्रम का पालन भी था, चतुराश्रम का पालन भी था। सच्चा व्यवहार मान भी था, संगठन चरित्र गठन भी था। सत्संग कथा प्रवचन कीर्तन आध्यात्म मनन चिंतन भी था। उस समय महाराज दशरथ के समय था। ओ आंगन आंगन में तुलसी थी, घर घर में गोपालन भी था। सब था राजा के पुत्र न था। देखिए ये भगवान की विडंबना, महाराज दशरथ के सब दिया था, चक्रवर्ती सम्राट थे, दसों दिशाओं में जिनका रथ दौड़ता था, लेकिन भगवान ने एक पुत्र नहीं दिया था। तो सब था राजा के पुत्र न था, और दत्तक भी कोई लिया न था, दत्तक भी कोई लिया न था। विधना ने बेटा दिया न था, घर तो था घर का दिया न था। सब दिया भगवान ने, लेकिन घर का दिया नहीं दिया, कुल दीपक नहीं दिया। महाराज दशरथ को चिंता हुई थोड़ी सी, और यह भी साथ में कि कोई गोद भी ले लेते तो गोद भी उन्होंने किसी को नहीं लिया था, तो चिंता थी विचारों को। महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि एक बार भूपति मन माही भाई गलानी मोरे सुतनाही, अब जब ये चिंता सताने लगी तो पुत्र कामना में हुए नृप जब अधिक उदास,
हृदय व्यथा कहने गए गुरु वशिष्ठ के पास। वशिष्ठ जी से पास जाकर बोले, पहले तो क्या किया कि पहले तो नतमस्तक होकर फल चार चढ़ाए चरणों में, फल चार चढ़ाए चरणों में, फिर अर्ध रूप में अश्रु चार चुपचाप गिराए चरणों में, महाराज वशिष्ठ से कहते हैं, दशरथ जी कहते हैं कि हे प्रभु, बोले कर चुका विवाह तीन, फिर भी फल उसका मिला नहीं, है चौथापन आने वाला, हृदय कमल अभी तक खिला नहीं। वशिष्ठ जी बोले, क्या चाहते हो? महाराज दशरथ कहते हैं, महाराज क्या जाने कैसा है भविष्य, जो अब तक प्रभु अंधेरा है, जो अब तक प्रभु अंधेरा है, मैं निर्बल होता जाता हूँ, उस प्रबल दुख ने घेरा है, ऐसा तरुवर क्या तरुवर है। हे प्रभु, वशिष्ठ जी से कहते हैं कि गुरुदेव, ऐसा पेड़ भी क्या कोई पेड़ होता है जिसमें कोई फल ना हो? ऐसा तरुवर क्या तरुवर है, फल ही जिसमें उत्पन्न न हो, वह जलधर भी क्या जलधर है, जल ही से जो संपन्न न हो। वो तालाब किस काम का जिस तालाब में पानी ही ना हो। प्रभु वशिष्ठ जी बोले, तुम पूरी बात कहो कि चाहते क्या हो। कहते हैं कि गुरुदेव उपाय यही अब हो, यह चित्त प्रफुल्लित हो जाए और आंखों में भी आए प्रकाश, आत्मा आनंदित हो जाए। अच्छा, कम से कम एक पुत्र ही हो जिसमें रघुवंश बढ़े अपना, और पितरों को भी तर्पण पहुंचे, आगे को नाम चले अपना। वशिष्ठ जी ने देखा कि महाराज दशरथ ज्यादा विकल हो रहे हैं, ज्यादा अधीर हो रहे हैं। कहते हैं कि दशरथ जी, देख शिष्य की विकलता, बोले श्री गुरुराज, ज्ञानवान नरनाथ में इतनी चिंता आज। आज इतनी चिंता हो गई? अरे चिंता तो बहुत बुरी चीज है महाराज जी, चिंता क्यों करते हैं आप दशरथ? दशरथ महाराज बोले कि महाराज, कुछ भी हो, जैसे भी उपाय हो, मेरा वंश चल जाए। बहुत अच्छी बात कही वशिष्ठ जी ने। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हो जाए कुपुत्र कहीं तो वह ग्रह को शमशान बनाता है, ग्रह को शमशान बनाता है, राजन व्यर्थ ये है विचार, बेटा कब वंश चलाता है, जी क्या बात आप करते हैं, कहीं पुत्रों से वंश चलता, अगर को पुत्र पैदा हो गया तो सारे घर को शमशान बना डालेगा। दशरथ जी ने कहा, महाराज कुछ भी हो। अच्छा, वशिष्ठ जी बोले, अच्छा एक बात बताओ कि अब तक सब महानुभावों ने अपना यश आप कमाया है, अपना यश आप कमाया है, क्या ध्रुव प्रहलाद आदिकों का पुत्रों ने नाम बढ़ाया है,
या ध्रुव और प्रहलाद इन जैसे भक्तों का, इन जैसे महान पुरुषों का नाम क्या कभी उनके लड़कों ने चलाया है? उनने तो अपना खुद नाम पैदा किया है। महाराज दशरथ कैसी बात करते हो? लेकिन इसका कोई उत्तर नहीं दिया। भूपति ने इस तर्क का किया नहीं प्रतिवाद, और गुरु के सम्मुख शिष्य का समुचित नहीं विवाद। अच्छा नहीं लगता, यही सोचकर महाराज दशरथ चुप रहे, कुछ नहीं बोले। तब यही कहा कि जैसी आज्ञा हो यही कहा, पकड़े ही रहे चरण गुरु के, पकड़े ही रहे चरण गुरु के। मानो अपना सारा भविष्य कर दिया आज अर्पण गुरु के। गुरुवर ने तब ये शब्द कहे, अच्छा यह दुख अब दमन कर दो, इच्छा है अगर पुत्र ही की तो थोड़ा परिवर्तन कर दो। महाराज दशरथ ने कहा, प्रभु कहिए क्या परिवर्तन करना है। वशिष्ठ जी बोले, एक काम करो कि इच्छा है अगर पुत्र ही की, पुत्रेष्टि यज्ञ संविधान करो, पुत्रेष्टि यज्ञ संविधान करो। और पाओगे चार पुत्र राजन, भगवान विष्णु का ध्यान करो। महाराज दशरथ ने कहा, ठीक है, जो आज्ञा महाराज गुरुदेव, वो सर पे है, आगे आदेश करिए। वशिष्ठ जी बोले कि पुत्रेष्ठि यज्ञ के विशेषज्ञ श्रृंगी ऋषि को बुलवाना है, बेमान्य तुम्हारे होते हैं उनको आचार्य बनाना है। कहा श्रृंगी ऋषि को बुलवाओ, और वो तुम्हारे मान्य होते हैं, वही आचार्य करेंगे और ये यज्ञ वही करवाएंगे, पुत्रेष्ठि यज्ञ। ठीक है। गुरुवर का आदेश सुन मुदित उठे महिपाल, आज्ञा यज्ञ प्रबंध की आकर दी तत्काल। श्रृंगी ऋषि आए यथा समय, सानंद वर्ण स्वीकार किया, सानंद वर्ण स्वीकार किया। मानो अथर्व ने हो सदेह आरंभ यज्ञ उपचार किया। जब यज्ञ समाप्ति का दिन आया, पूर्णाहुति का दिन आया, तो पूर्णाहुति का जब दिन आया, ऋषिगण ने आशीर्वाद दिया। हो अग्निदेव ने स्वयं प्रकट निज कर से खीर प्रसाद दिया। उस यज्ञ से अग्निदेव प्रकट हुए, उन्होंने हब जिसे खीर कहते हैं आप, खीर निकाली और खीर लेकर के और ये प्रसाद के रूप में महाराज दशरथ को दी। बोले मेरे दा द्वारा पायस, बोले मेरे द्वारा पायस, चतुरानन ने भिजवाया है, चतुरानन ने भिजवाया है। यज्ञेश्वर विष्णु चतुर्भुज का प्रस्थान रूप यह आया है। वाह,
प्रसाद दिया और कहा ये स्वयं ब्रह्मा जी ने भिजवाया है, महाराज दशरथ इसे स्वीकार करो, ये प्रसाद है, इसी से जो है तुम्हारे चार पुत्र जो है पैदा होंगे। अवलोक अलौकिक चमत्कार दशरथ को परमानंद हुआ, और गुरु भक्ति दुचंद बड़ी, मन में प्राणों में सुख चौचंद हुआ। पूर्ण हो गया यज्ञ जब इस प्रकार सहलाद, और राजा महलों को चले लेकर हव्य प्रसाद। महलों में आए, तीनों रानियों को बुलवाया, कौशल्या, सुमित्रा, केकई, तीनों को बुलवाया। और पट रानी कौशल्या जी को जाते ही आधा भाग दिया, जाते ही आधा भाग दिया। उसके आधा केकई को फिर वही सहित अनुराग दिया। आधा भाग किया, कौशल्या को दे दिया, और फिर जो आधा बचा उसका आधा किया और केकई को दे दिया, सुमित्रा रह गई। लेकिन शेषांग हुआ आधा आधा, जिसको ले लिया है दोनों ने, और तीसरी सुमित्रा रानी को सानंद दे दिया दोनों ने। तो सुमित्रा को दो भाग मिल गए, आधा उसने किया, आधा अपना उसने किया, दोनों ने मिलकर के सुमित्रा को दे दिया। हबी के बटते ही महलों में लोकोत्तर एक प्रकाश हुआ, लोकोत्तर एक प्रकाश हुआ। मानो जग को सूचना मिली, संकट रजनी का नाश हुआ। प्रकटा वह तेज रानियों में, जो नेत्र ज्योति का दाता है। खिल उठा अचानक सूर्य वंश, अब सूर्य वंश में आता है। देखें आप उस खीर प्रसाद पाने से कितनी अलौकिक चीजें हो गई। इसी तरह आनंद में बीत गए 9 मास, विश्व बंध अवतार का समय आ गया पास। वृक्षों में पात नवीन खिले, और सरयू तट सुरसरी कूल हुए, सरयू तट सुरसरी कूल हुए। बागों में कलियों के गुच्छे खिल उठे, फूल कर फूल हुए। शीतल सुगंधित युत मंद मंद मलयानिल का संचार हुआ, त्रिभुवन पति के स्वागत को जग ऋतुपति होकर तैयार हुआ। उपहार सजाती थी पृथ्वी, बालियां खेत में लाला कर, ग्रह चक्र अवध पे बारी था, लंका पर चक्कर खा खा कर। देखें आप कैसे कैसे काम हुए। कि नक्षत्र वार तिथि योग लगन मांगलिक भविष्य बताते थे, उछा गए विमानों पर सुरगण नभ से जयकार सुनाते थे। वह चैत्र शुक्ल नवमी का दिन, जिस हम आप जिसे राम जन्म का दिन और जन्मदिन मनाते उनका, आज भी चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी को,
तो वो चैत्र शुक्ल नवमी का दिन अब भी त्योहार हमारा है, अब भी त्योहार हमारा है। साकेत धाम का दिव्य तेज लेकर अवतार पधारा है, मंडलेश्वर योग था अभिजित समय ललाम, कौशल्या के धाम में प्रगटे शोभा धाम। भगवान राम प्रकट हो गए। दुनिया ये कहती है कि पैदा हुए, और मैं भी कहता हूँ कि पैदा हुए, लेकिन तुलसीदास जी ने ये नहीं लिखा, उन्होंने बिल्कुल सीधे शब्दों में लिखा है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो जब प्रकट हुए, ऐसी महान विभूति, ऐसे महान पुरुष, ऐसी महान आत्माएं जब इस धरती पर जन्म लेती हैं, तो ये तो निश्चित है कि उन्हें किसी माता पिता का चुनाव करना पड़ता है, लेकिन जी हाँ, और जन्म के समय यही खुशखबरियां, यही सब होता है। देखें आप, के भी हुआ एक पुत्र उत्पन्न, और गोद सुमित्रा की हुई दो सुत से संपन्न। एक केकेई के, एक कौशल्या के और दो सुमित्रा के, चार पुत्र पैदा हुए। चमके जब घर में चार चंद्र, चौगुना हर्ष आनंद हुआ, चौथे पन में चारों सुत पर राजा को परमानंद हुआ। परमानंद की प्राप्ति हुई महाराज दशरथ को। घर द्वार न था ऐसा कोई जिसमें उस दिन त्योहार न हो, जिसमें उस दिन त्योहार न हो। परिवार न था ऐसा कोई जिसमें उस दिन त्योहार न हो। बढ़ता विलोक कर सूर्य वंश, भगवान सूर्य भी मुदित हुए। ओ हो गया महीने भर का दिन इस भांति दिवाकर चकित हुए। महाराज तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है बहुत सुंदर शब्दों में कि मास दिवस का दिवस भामरम न जाने कोय, और रथ समेत रवि थाक यो निशा कवन विधि होय। कैसे रात्रि हो, एक महीने के लिए सूरज रुक गए, क्योंकि उनका वंश सूर्य वंश है। उस सूर्य वंश का बढ़ता देख करके, बढ़ावा देख करके, महाराज सूर्य भी रथ समेत थक करके रुक गए दर्शन करने के लिए। तीनों लोकों का गुप्त तेज छाया वो समय अयोध्या में, छाया वो समय अयोध्या में। दर्शन करने को सुरदल भी आया उस समय अयोध्या में। ब्रह्मा आनंद देखने को तब ब्रह्म भाट ते बने हुए। ब्रह्मा जी भाट बनकर वृंदावली गाने को आ गए महाराज दशरथ के दरवाजे। और शंकर भी बूढ़े बाबा बन नृप के द्वारे थे खड़े हुए। अब लोक का बहुत विराट रूप देखा विकराल रूप प्रभु का, देखा विकराल रूप प्रभु का। अभिलाषा आज सुरों में थी निरखेंगे बाल रूप प्रभु का।
किया नृपति ने जिस समय जात कर्म संस्कार, वेदों ने तब सूत बन कियों जय जयकार। और क्या क्या हुआ कि गजरथ भूमि तुरंग पट धन भूषण गोदान, और दिए नेगियों के लिए नृप ने कर सम्मान। दिन पर दिन मान बढ़ाने को जब दिन कर का विस्तार हुआ, जब दिन कर का विस्तार हुआ, तब वशिष्ठ द्वारा एक दिवस यूं नामकरण संस्कार हुआ। गृह काल योग तिथि जन्म लगन सब मैंने बात विचारी है। वशिष्ठ जी ने एक दिन शुभ लग्न नक्षत्र मुहूर्त देख करके चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार किया और बोले कि गृह काल योग तिथि जन्म लग्न सब मैंने बात विचारी है, इनके प्रिय नाम अनंत नृपत ये सुत तेरे अवतारी है। फिर भी नाम दे रहा हूं कि जो नित सुखदायक सुख राशि सुख सागर सुख प्रद सुख कर है, सुख सागर सुख प्रद सुख कर है, उस कौशल्या के नंदन का श्री राम नाम ही सुंदर है। उसका नाम जो कौशल्या का सुत है उनका नाम राम है। और फिर के कई सुत है विश्वभरण रखता हूं भरत नाम उसका, और जग को सुमार्ग दिखलाएगा उत्तम आदर्श काम उसका। के नंदन का नाम भरत रख दिया वशिष्ठ जी ने। और दो सुत है मात सुमित्रा के शत्रुघ्न द्वितीय कहलाएगा, शत्रुघ्न द्वितीय कहलाएगा, शुभ लक्षण धाम प्रथम जो है वह लक्ष्मण ही कहलाएगा। आशीर्वादों की धुन गूंजी जनता में जय जयकार हुआ, जनता में जय जयकार हुआ, गुरु वशिष्ठ द्वारा इस प्रकार जब नामकरण संस्कार हुआ। उस समय शारदा देवी भी सुख से फूली न समाती थी, जिस समय रचाए नारी बन प्रभु को पालना झुलाती थी, सुरगण ने प्रभु को देख देख विकसित निज निज मन कमल किया, विकसित निज निज मन कमल किया, शिव ने भी बाल रूप लख कर जीवन को अपने सफल किया। नित नया त्योहार था नित नई कुल रीत, इस प्रकार आनंद में गए मास कुछ बीत।
लड़का ही से लक्ष्मण का रघुवर से प्रेम अपार हुआ, उस ओर भरत जी से अथाह शत्रुघ्न लाल का प्यार हुआ। बचपन से भगवान राम के साथ भैया लक्ष्मण रहने लगे और भरत के साथ शत्रुघ्न जी रहने लगे, दो दो की जोड़ी हो गई। तो चारों ही बालक सुंदर थे, चारों ही रूप मनोहर थे, चारों ही रूप मनोहर थे। फिर भी कौशल्या नंदन उन चारों में सबसे बढ़कर थे। जब जब चारों भाई खूबसूरत थे, चारों सुंदर थे, चारों मनोहर थे, सलोने थे, लेकिन उनमें भी भगवान राम की छवि अलग ही थी। उन परम धाम की छवि देखकर तो गोदी में कभी पालने में माताएं लाड़ लड़ाती थी। ओ पुचकार दुलार सिंगार करें काजर की कोर सजाती थी। जब चलते हैं घुटुओं के बल, देखिए आप बा भगवान परमधाम पार ब्रह्म परमेश्वर जिस घर में जन्म ले, तो जब चलते हैं घुटुओं के बल माता बलहारी जाती है, माता बलहारी जाती है। लाला संध्या को सोते हैं तो नजर उतारी जाती है। चारों भाइयों की नजरें शाम को उतारी जाती हैं, ये माँ का बड़ा प्यार होता है। और माँ कौशल्या जैसी महतारी, उंगली के बल जब खड़े हुए तो करते हैं किलोल चारों, पग से चलते हैं ठुमक ठुमक, मुख से तोतले बोल चारों। चंदा को कभी मांगते हैं, चंदा को कभी मांगते हैं, परछाई कभी पकड़ते हैं, परछाई कभी पकड़ते हैं। जब भी जैसी हठ पड़ जाए फिर नहीं मनाए मानते हैं। इस प्रकार से दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे चारों राजकुमार, पुर नारी शोभा निरख होती थी बलिहार। गांव के स्त्री पुरुष जो भी देखते थे, अयोध्या के लोग जब वो बच्चे खेलते थे बाहर, तो जो भी देखते थे कहते थे वाह। कहती थी सब परस्पर देखो इनके रूप, नख सिख सुंदरता भरे कैसे सुघड़ अनूप। तलवे उंगली एड़ी रेखा, देखिए हालांकि मेरी बुद्धि उतनी नहीं है फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि तलवे उंगली एड़ी रेखा, बलहारी पंजों पोरों पर, बलहारी पंजों पोरों पर। तारे से उजियारे प्यारे नख तो निरखोचित चोरों पर।
फिर देखो तो उन पैरों में क्या मृदुल पांवटे बाज रहे, मानो शोभा के रक्षक बन दो द्वार पालिए गाज रहे। उपमाएं देखें आप, उर उदर नाभि तक मणिमाल कुंडली मार चौकोर हुई, मानो लक्ष्मी की पूजा में दीपावली चारों ओर हुई। और इतने सुंदर सगोल सघड़ सलोने के बहिना उस उदर त्रिवेणी तट बक्ष स्थल अतिशय प्यारे हैं, पृष्ठ स्थल ऐसा है सुडोल मानो कच्छप अवतारे हैं। देखें आप कि करने को दसों दिशा बस में दर्शन यह दसन दिखाते हैं, दर्शन यह दसन दिखाते हैं। दाढ़ी में हीरा गण तारा गण जिनकी छवि देख ल जाते हैं, रस न रमणीय रुचे राजे रस भरी रसीले रसकों की, वाणी से वर्णन हो न सके मधुराई वो है बचनों की। इतने मीठे बोल, इतने प्यारे बोल कि वाणी वर्णन नहीं कर सकती कि वो कितने मीठे बोल थे। शारदा भी उस समय थकित हो जाती है कि अनमोल गोल सुंदर कपोल नीकी नासिका बालकों की, नीकी नासिका बालकों की, छवि किस से बरनी जाय सखी कुंडल बाले उन श्रवणों की, छवि का वर्णन लाजे मृग खंजन मीन कमल मद मर्दन हार दमन के हैं, उल्लज्जा लाली लावण्य लिए लोने लोचन लालन के हैं। वाह, बड़ भागी भाल विशाल सखी ओ भूपति के चिन्ह बताता है, भूपति के चिन्ह बताता है, चंदन जग बंदन नंदन का मर्यादा धर्म दिखाता है, काले मतवाले घुंघराले क्या सुंदर केस सुहाते हैं, और जिनसे रजनी घन काक पक्ष भौरे भुजंग शर्माते हैं। देखो तो आप, हाथों में धनुष बाण सोहे, प्रभु के चारों पुत्रों के हाथों में धनुष बाण लिए हुए थोड़े से बड़े होते जाते हैं, खेलते जाते हैं, तो हाथों में धनुष बाण सोहे रघुवंशी दशरथ नंदन के, रघुवंशी दशरथ नंदन के, सरयू के तीर नित्य दर्शन हो जाते हैं जगवंदन के, धन्य भाग है उन माताओं के। सखियां सब कहती हैं, जो भी पुरवासी ने देखते हैं अयोध्यावासी वो कहते हैं कि देखो तो सखी, एक दूसरे से कहती हैं कि सखी बड़ भागिन बे माताएं हैं
ये लाल जिन्होंने जाए हैं, अपने भी जन्म धन्य ही हैं जो दर्शन इनके पाए हैं। श्री अवधपुरी के धन्य भाग जो जन्मे यहाँ कुंवर चारों, जो जन्मे यहाँ कुंवर चारों, राजा की चारों दिश जय है पाकर ये सुत सुंदर चारों। इस प्रकार से इसी भांति सब भक्ति भी होते थे बलिहार, मानो रंकों के लिए मिला रत्न भंडार। भक्तों के लिए, जो प्रभु के भक्त थे, भगवान राम के भक्त थे, रघुनंदन के भक्त थे, उन्हें तो मान लो के जैसे कंगालों को रत्नों का भंडार मिल गया, वो अमीर हो गए। सबको सुख देकर सब प्रकार जब और बड़े सुकुमार हुए, तब गुरु वशिष्ठ द्वारा उनके यज्ञोपवीत संस्कार हुए। अब नियम पूर्वक अग्निहोत्र, फिर संध्योपासन होता था, फिर संध्योपासन होता था। विद्यालय घर वशिष्ठ का था जिसमें विद्यार्जन होता था। पढ़ लिख कर कुछ ही वर्षों में विद्यानिधि से अवतीर्ण हुए, रण शिक्षा राजनीत में भी सब भली भांति उत्तीर्ण हुए। देखें आप, विद्यानिधि भगवान राम जो दूसरों को विद्या देते हैं, दान करते हैं, उन्हें भी विद्या की जरूरत पड़ी। वो भी गुरु के गृह पढ़ने के लिए गए। वशिष्ठ जी के यहाँ गोस्वामी जी ने लिखा है रामचरितमानस में कि गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। और पढ़ लिख करके रण शिक्षा की भी, राजनीति भी, और सब भली भांत सब में उत्तीर्ण हो गए। तब लगे सिखाने गुरु इन्हें विज्ञान विवेक योगियों का, और उस ऊंचे पद पर पहुंचाया जो पद था तत्वदर्शियों का। बोले अंतिम ज्ञान है आत्मिक यही यथार्थ, गुरु मुख से जिसने सुना जीवन हुआ कृतार्थ। ये योग दर्शन, योग दर्शन छह शास्त्र जो बताए हैं हमारे धर्म में, उन छह शास्त्रों के अनुसार योग शास्त्र भी एक है, तो वो योग शास्त्र का ज्ञान आत्मिक यथार्थ क्या है ये दिखाया उन्हें गुरु वशिष्ठ जी ने। पांच तत्व दस इंद्रियां हैं सर्वत्र समान, और देह सदा अज्ञान है देही जिसमें ज्ञान। देखिए कितनी बढ़िया तत्व की शिक्षा दी है, कहा है, और भगवान राम को शिक्षा दी जो परम धाम परमेश्वर हैं, उन्हें भी उस शिक्षा की जरूरत पड़ी। उन्हें तत्व दर्शियों का ज्ञान अपने गुरु वशिष्ठ से सीखा। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि दस पंच मध्य चेतन एक जिसका प्रकाश सारों में है, जिसका प्रकाश सारों में है। जैसे दिन कर का गुप्त तेज चंद्रमा और तारों में है,
उस समय प्रकाश के द्वारा ही चैतन्य दिखाई देता है। वह व्यापक, वह चैतन्य तत्व संपूर्ण सृष्टि का नेता है। वही सच्चिदानंद तुम हो। वशिष्ठ जी इशारा करते हैं कि तुम वही हो सच्चिदानंद। वही सच्चिदानंद तुम हो, वही निज देश तुम्हारा है। जो तीन गुणों से ऊपर है, जो पंच कोश से न्यारा है। कि व्यवहार जगत में कर्म लिप्त कहलाता है जीवात्मा है, कहलाता वो जीवात्मा है। वास्तव में वही तत्सत है, परमात्मा है, विश्वात्मा है। आत्मा कांत स्वरूप है, देह भ्रांत ही भ्रांत। इसी बात पर एक अब देते हैं दृष्टांत। जैसे बताया जाए, थोड़ी देर के लिए हम आप सोचें कि जैसे एक जगह सब पानी के घड़े भर दिए जाए, अलग अलग स्थान पर रख दिए जाए, वो भर के सब इकट्ठे अलग अलग जगह पर पचासों घड़े रख दिए पानी से भर के। जब सूर्य निकलेगा और सूरज की किरण देखें आप उन घड़ों में, तो सूर्य हर घड़े में दिखाई देगा, हर घड़े में दिखाई देगा। देखें आप जरा, मिट्टी के घड़े विविध विध हैं, सबके सब जल से भरे हुए, सबके सब जल से भरे हुए। वे एक जगह या कई जगह या बहुत जगह हैं धरे हुए। उसी तरह देखो रवि है आकाश मध्य, छाया संपूर्ण घड़ों में है। हे अटल एक ही महातेज, माया संपूर्ण घड़ों में है। इसी तरह पार ब्रह्म परमेश्वर है, वो एक है। और हम आप जितने ये जड़ घूम रहे हैं, जितने शरीर घूम रहे हैं, इन शरीर में उसका अलग अलग दिखाई देता है कि ये हम में भी है, आप में भी है, उनमें भी है। यही ये तत्व ज्ञान है। इसका ज्ञान भगवान राम को कराया किसने? वशिष्ठ जी ने। ये भी कहा कि आप स्वयं सच्चिदानंद हैं, आपको हम क्या ज्ञान देंगे। लेकिन फिर भी कितना बढ़िया उदाहरण देके समझाया कि जिस घट को अब लोक को जाकर मारतंड दृष्टि में आता है, और नाना स्वरूप में नाना विधि नाना प्रकाश दिखलाता है। अच्छा अब घड़ा टूटता है, गल गया सहारा नहीं रहा। सूरज भी है छाया भी है, पर वह उजियारा नहीं रहा। इसी तरह शरीर है। इस भांति संसार में घट रूपी है देह, छाया रूपी जीव का यही निश्चित गेह। ये जीव का घर है जो छाया रूपी है। इसी भांत संसार का चलता है सब काज, यहां ना कोई प्रजा है और न है नरनाज। तुम सच्चे बनो कर्मयोगी, निष्काम करो कर्तव्य सदा, निष्काम करो कर्तव्य सदा। निज ज्ञानालन में भस्म करो होतव्य और भवितव्य सदा। देखिए राजनीति की और शासन की कितनी बढ़िया शिक्षा दी है। कहा है कि जिस भांति सृष्टि का मूल तत्व सर्वव्यापक चेतन ही है,
नरमंडल के सुख का त्यों ही अच्छे नृप का शासन ही है। अब जैसे चेतन की लीला में चलता ना किसी का चारा है, चलता ना किसी का चारा है, क्यों ही शासक के चक्कर से सब जगह मनुज ही हारा है। अनुकूल प्राकृतिक घटना हो नृप का शासन भी अच्छा हो, मन को सत्संगति मिलती हो तन को भोजन भी अच्छा हो, संबंधी नातेदार सभी व्यवहार ठीक निज रखते हो, सच्चाई और नियम पूर्वक व्यवहार सभी के चलते हो, इतना बानक जब बन जाए अच्छा कहलाता जीवन है, अच्छा कहलाता जीवन है, अन्यथा अशांत जगत में तो व्याकुल ही रहता तन मन है। वशिष्ठ जी बोले कि कुंवर तुम बड़े हो, भगवान राम से बोले कि तुम बड़े हो इसलिए तुम्ही से कहूंगा कि तुम राजा के कुंवर हो, रखना कुल की लाज, जब वह अवसर आए तो करना अच्छा राज, ईश्वर सा ऐश्वर्य ही रखना है अवनीश, इसीलिए तो नृपति भी कहलाता है ईश, इसीलिए तो हे राम राजा को लोग भगवान मानते हैं, अगर उस राजा में अच्छे कर्तव्य हों और अच्छे गुण हैं। जग में आते रहेंगे सदा शोक या हर्ष, बात बात में यहां पर होता नित संघर्ष, ऐसे संग्राम अखाड़े में बे पहलवान लड़ सकते हैं, बे पहलवान लड़ सकते हैं, जो समय समझ चढ़ सकते हैं, कुसुमय निहार पढ़ सकते हैं, इस सब घटनाओं में रहकर मस्तिष्क हृदय भी ठीक रहे, शारीरिक तथा मानसिक सब अवयव आशय भी ठीक रहे, तब हो सकता है महाकार्य, तब कर्मवीर कहलाओगे, जब उसके पहले ज्ञानवान गंभीर धीर बन जाओगे। इतने गुण तुम्हें अपने अंदर लाना पड़ेंगे तब राजा बनना हो, जब वो समय आएगा तब तुम राजा बनोगे और इस अयोध्या पे ऐसा ही शासन करोगे, मुझे यही उम्मीद है। वशिष्ठ जी इतनी सुंदर राजनीति की शिक्षा दे रहे हैं, कहते हैं जब ऐसा बनने का मार्ग यही निष्काम हृदय करना होगा, परहित कर्तव्य लक्ष्य रख कर निज स्वार्थ स्वल्प रखना होगा। अगर दूसरों का हित करना है तो अपने हित को अपने स्वार्थ को कमजोर बनाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, बिल्कुल धीमा करना पड़ेगा कि हम अपना स्वार्थ ना रखें, दूसरों का परहित करें। हे राम सुख दुख सामने आए जो वह धर्म देह के ही समझो, वह धर्म देह के ही समझो,
नाटक शाला जैसे दिखाओ इस सारी जगती के सम। अपने स्वरूप को आत्मा को निर्लिप्त समझते रहो सदा, वह अमर और अविनाशी है यह दृढ़ता रखे रहो सदा। बाल्यावस्था की यह शिक्षा छात्रों की बड़ी कमाई है, छात्रों की बड़ी कमाई है। संक्षेप रूप में इसीलिए गुरु गीता तुम्हें सुनाई है। गुरु की गीता ये तुम्हें दिया हमने, संक्षेप रूप में इसका वर्णन किया, हे राम इसे अपने पास रखना, ये तुम्हारी जिंदगी में जब राज करोगे या दुनिया में घूमोगे, अभी बहुत जीवन है तो ये छात्रों की पहली कमाई है जो सारी जिंदगी में ये पूंजी काम आती है। नित्य प्रति एकांत में करना थोड़ा ध्यान, सर्वव्यापक शक्ति से लेना ये वरदान। ओ हे राम, इस प्रकार जब हो चुका शिक्षण और सुधार, रामा शिक्षण और सुधार, राजकाज करने लगे चारों राजकुमार, राजकाज करने राजकाज करने लगे चारों राजकुमार, राजकाज करने लगे चारों राजकुमार, सियावर राम चंद्र की। घोड़ों पर चढ़ चढ़ रघुवंशी बाहर जिस समय निकलते थे, बाहर जिस समय निकलते थे, उस समय झुंड के झुंड लोग दर्शन के लिए उमड़ते थे, जब वो चारों राजकुमार रघुवंशी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जब भी घोड़ों पर निकलते थे, जब टहलना शुरू करते थे, कभी शिकार करने जाते, कभी धनुष विद्या सीखने जाते, कभी खेलने जाते, जब भी घोड़ों पर निकलते थे तो गांव के लोग झुंड के झुंड अयोध्यावासी दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ते थे भीड़। और इस ओर अयोध्या के वासी वह सुंदर रूप हेरते थे, वह सुंदर रूप हेरते थे, उस ओर विमानों पर बैठे सुरगुण इस भांति तेरते थे।